नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 15 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन है, इंडिपेंडेंस डे का मौका है और इस दिन अगर हमें ट्रीट में साहो जैसी मूवी मिल रही है तो अपने आप में ये बहुत शानदार गिफ्ट है प्रभास की तरफ से अपने फैंस को। प्रभास जो है वो 2 से 3 साल बाद दोबारा से एक मूवी लेकर आ रहे हैं। बाहुबली हमें उनकी लास्ट मूवी याद है, जो अभी भी अगर हम याद करें या फिर टीवी पर देखें या फिर उसके बारे में बात करें तो एक अलग तरह की एक्साइटमेंट हमारे दिल में आ जाती है और एक अलग मूवी, एक उस किरदार से बिल्कुल अलग किरदार लेकर लौटे हैं प्रभास, जिनका एक्शन अवतार मचा रहा है सनसनी सोशल मीडिया पर। चाहे टीजर की बात करें, पोस्टर की बात करें, लुक्स की बात करें, हर एक चीज़ से उन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया है। और लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर देखा, थिएटर में देखा, वहाँ पर लोग शर्ट्स उतार उतार के नाच रहे थे, तो बहुत अमेजिंग पल था जब ये पल हमारे लोगों के सामने आया तो एक अलग तरीके का जो क्रेज़ है वो देखने को मिला। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो बॉलीवुड में एक्शंस मूवी जो होती हैं, चाहे मैं रेस 3 के बारे में बात करूँ या फिर किसी और एक्शन मूवी के बारे में बात करूँ, वहाँ की जो एक्शंस होते कहीं ना कहीं रियल नहीं लगते, ये हमें कहना पड़ेगा। पूरी कोशिश की जाती है, हर एक चीज़ से उस चीज़ को सूझबूझ के साथ मनाया जाता है, लेकिन जो साउथ की मूवीज़ होती हैं, प्रभास की या फिर KGF जैसी मूवीज़ होती हैं, वो अपने आप में एक अलग कीर्तिमान बना देती है, क्योंकि वो अपने हर एक सीन को रियल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रभास की बात करूँ तो उन्होंने खतरनाक से खतरनाक स्टंट्स अपने बलबूते पर किए हैं, अच्छी खासी टक्कर दी है बॉलीवुड को। अगर आज उन्हें इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं, अगर आज उनकी इतनी सराहना की जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक्शन सीन्स देखने में मजा आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक वीडियो गेम है और खुद ही मार धाड़ हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक रियलिस्टिक सीन है, अच्छा लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक्शन सीन्स जो कोरियोग्राफ किए हैं वो केनी बेट्स ने किए हैं, जो कि हॉलीवुड के एक दमदार और एक अच्छे खासे कोरियोग्राफर हैं, जो कि स्टंट प्लान करते हैं। तो हर एक सीन को जिस तरीके से रियल बनाया है तो बॉलीवुड की तो शामत आने वाली है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या फिर रणवीर सिंह हो, कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती हो, वो देखकर सलाम ठोकने वाला है प्रभास को, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभी तो सिर्फ टीजर आया तो इतने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, अभी ट्रेलर आना बाकी है, उसके बाद जब मूवी रिलीज होगी तो 15 अगस्त के दिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर जो कब्जा है वो असली साहो का होने वाला है। अगर आप भी अग्री करते हैं या फिर आपका क्या ओपिनियन है, हम सभी ओपिनियंस की कदर करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि किस तरीके से कोई ये सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं या फिर कोई और सही कह रहा है, हम हर किसी के ओपिनियन की कदर करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऑडियंस के मन में क्या है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जो भी राय हो हमारे साथ जरूर शेयर करें, उससे हमें तो आपके ओपिनियंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ कमेंट करें और बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करें। और प्रभास के बारे में आपको क्या लगता है, प्रभास सचमुच बॉलीवुड की छुट्टी करने वाले हैं? तो जो भी आपका ओपिनियन आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।